केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। लोहिया नगर में हुए विस्फोट से 5 लोगों की हुई गैर इरादतन हत्या ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को एसटीएफ लगाई गई है, लेकिन बीती रात वायरल हुए एक वीडियो ने सारी जांच पड़ताल को संदेह के दायरे में खड़ा कर दिया है। इस वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि साबुन फैक्ट्री से बरामद विस्फोटक जैसी सामग्री को पानी डालकर गहरे गड्ढे में दबाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया गया है, यह समस्या परे है। 5 लोगों की गैर इरादतन हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए यह एक पुख्ता सबूत हो सकता था। वीडियो वायरल हुआ तो जो पुलिसकर्मी इसे अंजाम दे रहे थे उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों ने आड़े हाथ भी लिए। दिलचस्प गंभीर तथ्य यह भी है कि इस कृत्य को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मियों ने इसका वीडियो बनाया है, जाहिर है वायरल भी किया है। पुलिस ने फिलहाल संजय गुप्ता व गौरव गुप्ता को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है। बीती रात ही पुलिस ने गौरव गुप्ता की पत्नी व ससुर के साथ ही आलोक रस्तोगी को भी हिरासत में ले लिया था। दरअसल शास्त्री नगर सेक्टर 4 निवासी संजय गुप्ता की लोहिया नगर में सत्यकाम स्कूल के पास 3 मंजिला भवन था। संजय गुप्ता ने इसे सेक्टर 3 निवासी आलोक रस्तोगी, जागृति विहार सेक्टर 7 निवासी गौरव गुप्ता व बनियापाड़ा निवासी उदयराज को किराए पर दिया हुआ था। आलोक रस्तोगी साबुन के डिस्ट्रीब्यूटर है। उदयराज का एक तल पर प्रिंटिंग प्रेस मरम्मत का कार्य है। सबसे ऊपर गौरव गुप्ता की प्लास्टिक उपकरण बनाने का, वहां पर वह काम करते हैं। इस आड़ में ही यहां गौरव गुप्ता द्वारा दीपावली के मद्देनजर बच्चों के पिस्तौल में भरे जाने वाली गोली व स्काई शॉट्स बनाए जा रहे थे। मौके पर भारी मात्रा में बोरों में से यह गोलियां बरामद हुई। यह बात और है कि पुलिस व प्रशासन अभी तक इन्हें पटाखा मानने से इनकार करता आ रहा है। क्यों, यह एक गंभीर सवाल है और जांच का विषय भी। अब पहले देखिए वह वीडियो जिसमें पटाखे नुमा सामग्री को पानी में भिगोते हुए गहरे गड्ढे में दफनाया जा रहा है। अमूमन बरामद आदि को ही इस तरह दफनाने के वीडियो सामने आते रहे हैं, लेकिन यह पहला मामला है जब अदालत में पेश किए जाने वाले पुख्ता सबूत को ही इस तरह नष्ट किए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। यह केस ऑफ प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही फोटो है ये। इसके फोटो ले लें 3,000 एक आध हमारा भी बैक करके यहाँ ले लेने, जो पुलिस आ जाए डिस्को कराते हैं यहाँ से बैक करके। पाइप पकड़िए, पाइप ना उड़े। हो गया साहब, हो गया, चालू सही है, सही है, सही है, सही है। हां इसे जाबे रहना पाइप को, वीडियो यहां से बना दो, इधर आ जाओ। बता दें इस कांड में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 ही जीवन मरण के बीच मेडिकल कॉलेज में संघर्ष कर रहे हैं। firstbite.tv की टीम ने आज मेडिकल कॉलेज में घायलों से जानी उन्हीं की आप देखिए। मंगलवार की सुबह एक बड़े विस्फोट में जो लोग घायल हुए हैं उनसे जानते हैं ये विस्फोट कैसे हुआ और उनको कैसे चोट लगी। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सरोज है। अच्छा, एकदम हम चाय पी के बैठे हैं 7 बजे, इसके पापा तो गए थे टेम्पू लेके, किराए की टेम्पू चलाते हैं। हम सारे बच्चे के लाई बैठी थी, एक धमकी धड़ामक गल हो गए। तो फिर आपको कहाँ चोट लगी है? पैरों में लगी है दीदी, बहुत जोर से दर्द हो रहा। क्या हुआ था? एकदम की जन से कुचल गया। अच्छा, आप कहाँ बैठी थी उस टाइम? अंदर बैठी थी खाट में। क्या हुआ था? मैं तो अपने पोते को लेकर चीज दिलवाने जा रहा था साइकिल। अच्छा, जब रोड क्रॉस करा एकदम भलाश आया। अच्छा, उसके बाद बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, आपको कुछ नहीं पता फिर क्या हुआ? फिर नहीं पता, फिर दमन बना पतला पोता ढूंढना से लेकर बंदे टूट पड़े। अच्छा, पोते को भी चोट आई है आपके? आपको पता था वहाँ कोई ऐसे पटाखे वगैरह का कुछ काम? लिगड़ा पड़ा था वहाँ, बस ये नहीं पता था यहाँ क्या है। नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। साबुन की फैक्ट्री ऐसा कुछ नहीं पता था। बस वहाँ से कितनी दूरी पे रहते हैं आप उधर से? 20 मकान। आपके घर में किसी को परेशानी हुई? नहीं, हमें ही दोनों। आप दोनों को ही है?
अच्छा आप निकल रहे थे या घर आसपास में है आपका उधर? दिलवाने जा रहे थे, रोड वही था जाने का। अच्छा अच्छा ठीक है, आपसे कोई मिलने आया अभी कोई अधिकारी यहाँ पे? सुबह आया। कौन आया था? जानते नहीं, बहुत सारा आए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने चिंता ना करो, तुम्हारे लिए कुछ करवाए। और अभी ये 10 दिन पहले हुआ। अच्छा आपको? अपने घर में सो रही थी। अच्छा, एकदम से कोई फटाका से बम सा आया, पूरा मेरा घर टूट गया। पूरा घर टूट गया आपका? अच्छा, और मेरे ऊपर ऊँचे मीठे गिर गए, मेरा पति चल गया, इसकी भी तबियत अभी ठीक नहीं है। आपको कहाँ चोट लगी है? पसलियों में लगी है और सर में। और कोई भी मौजूद था आपके साथ घर में? हाँ, मेरे हस्बैंड, एक बेटा और मेरा। अच्छा, तो उनको कोई चोट लगी है? वो नहीं थे? वो थे, उनको लगी। आपको है? ठीक है, आपसे कोई मिलने आया है यहाँ पर? हाँ, आए थे। अच्छा, आपको पता है कौन आए थे? नहीं, नेता है शायद। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा आपकी मदद करेंगे, वहाँ जा रहे हैं ये सब काम। अच्छा, आपको नहीं पता था वहाँ सामने क्या होता है? नहीं, अब से पहले भी 2-3 बार आग लग गई है वहाँ। अच्छा, जी, पहले आग लगी है? ये भी नहीं पता था आपको वहाँ साबुन की फैक्ट्री है या उससे अलग कोई पटाखे वगैरह बनते हैं? नहीं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा और जाना और यहाँ पे लोगों से, जो लोग एडमिट थे उनसे सुना कि उनके साथ क्या परेशानी हुई है, क्या हुआ है, कौन अधिकारी उनसे मिलने आया है, और इसी जानकारी में हमें ये भी पता चला कि इससे पहले भी वहां आग लग चुकी है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बकरे जल चुके हैं और भी बहुत सारा सामान जल चुका है। वहीं रहने वाली एक महिला ने हमें ये सारी जानकारी दी है और आगे देखते हैं और क्या होता है। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैजिया। जहां तक बात संजय गुप्ता की है तो वह बिल्डिंग मालिक है, वहां काम करने वालों में आलोक रस्तोगी जांच के दायरे में है और हिरासत में भी। गौरव गुप्ता फरार है और उनकी पत्नी और ससुर पुलिस हिरासत। गौरव गुप्ता ही आतिशबाजी के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।